हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ लाइन पर स्वागत है। आज हम भारतीय नौसेना के अंदर जो कि 2024 का बेस है उसके अंदर आवेदन किया है उसके पीएफटी के बारे में बात करेंगे, उसकी मेडिकल के बारे में बात करेंगे, उसके जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बात करेंगे जो कि आपके जो 2024 का बेस है उसके नोटिफिकेशन में गिवन है। तो मैं आपको हर सुविधा बता दूंगा कि क्या क्या आपको वहाँ पर करना है। आपको हर जो डाउट बनते हैं ना वो डाउट मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, तो अगले आगे आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके आगे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पीएफटी, मतलब द्वितीय चरण के अंदर यहाँ पे लिखा है पीएफटी, मतलब शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड में क्या क्या चाहिए, तो वहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है चेन के लिए शारीरिक दक्षता जात पीएफटी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आप अगर पीएफटी में उत्तीर्ण होंगे तभी आप एग्ज़ाम को दे पाएंगे, नहीं तो आपका मेडिकल भी नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा। अगर आप एग्जाम मतलब आप पीएफटी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपका मेडिकल भी ज़रूर होगा। तो आपको ये पीएफटी करना ज़रूरी है। तो पीएफटी नहीं करोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको आगे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन आप पीएफटी कर दोगे आपको आगे फिजिकल और मतलब मेडिकल और आपको एग्जाम में अनुमति मिल पाएगी। इसके अंदर आता है लिंग, कितने किलोमीटर की दौड़ होगी, मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ है वो उठक बैठक हो जाती है, इसमें पुशअप हो जाती है, इसमें सिटअप हो जाती है जो घुटने मोड़ कर की जाती है। ओके, तो इसके अंदर आता है पुरुष को 6 मिनट 30 सेकंड दी जाती है, जिसके अंदर 20 उठक बैठक आ जाती है, 15 पुशअप आ जाती है और 15 सिटअप आ जाती है। मतलब जो पहले हुआ करती थी, पहले 12 उठक मतलब 12 पुशअप हुआ करती थी, तो अब इसके अंदर कितने कर दी गई है, 15 कर दी गई है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो आपकी जो कट ऑफ है ना इसके बिहार पर कम होने वाली है, मतलब फिजिकल को हार्ड कर दिया गया है। इसके अंदर फिर आता है महिला को 8 मिनट दी गई है और 15 उठक बैठक है, और इसके अंदर 10 पुशअप ऐड कर दी गई है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, इसके अंदर 10 सिटअप हो गई। तो अब यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि खेल तैराकी और पाठ्यतर गतिविधियों में प्रवीणता वांछनीय है। मतलब आपको खेलना में आपकी रुचि होनी चाहिए, तैराकी होनी चाहिए और पाठ्यतर गतिविधियों में प्रवीणता होनी चाहिए। मतलब नहीं हो तब भी चल जाएगा, वहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे सिखा दिया जाएगा। इसके बाद में आता है वो है भर्ती चिकित्सा मेडिकल, जो आता है ना उसके अंदर मेडिकल में क्या क्या होता है। तो मेडिकल में यहाँ पे है शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार का, मतलब जो आप पीएफटी में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेडिकल के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसके अंदर आप भर्ती चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को चयन सूची के लिए योग्य माना जाएगा। मतलब जो मेडिकल आपके अंतिम में मेरिट लिस्ट आती है उसके अंदर आपका नाम आएगा, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा आप पीएफटी मतलब आप मेडिकल फेल हो या नहीं हो। अगर आप पीएफटी में फेल हो गए तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाएगा। भर्ती चिकित्सा परीक्षा में अयोग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार को सलाह दी जाएगी कि वो चाहे तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित अस्पताल में इसके निष्कर्षों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मतलब नामी सैन्य अस्पतालों जो कि नेवी के अंदर नामित किए गए हैं और के अलावा अन्य अस्पतालों द्वारा चिकित्सा दक्षता प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, विशेषज्ञ द्वारा अयोग्य घोषित करने पर आगे कोई समीक्षा अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपको जो पीएफटी में अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हो, मेडिकल के अंदर फेल होने के बाद में आपको जो मतलब रीमेडिकल मिलता है, तो आप जो एयरफोर्स के मतलब नेवी के द्वारा जो आवंटित की गई जो मतलब हॉस्पिटल है उसके अंदर ही आप जा सकते हो। इसके बाद में आता है चेंज, जो मेरिट लिस्ट होती है ना वो मेरिट लिस्ट आती है। अभी मेडिकल का मैं और बताऊंगा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो लेकिन आप थोड़ा चयन सूची के बारे में भी जान लो क्या होती है। चयन सूची दूसरे चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली बेशर्ते उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अग्निवीर एसएसआर पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए चयन सूची राज्यवार तरीके से बनाई जाएगी, मतलब आपके राज्य में कितने पद उनके अनुसार वहाँ पर लिए जाएंगे। अग्निवीर भर्ती के लिए चिल्का में होने वाले भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट मतलब जो अग्निवीर की ज्वाइन इंडियन नेवी वेबसाइट है ना उस पर जाकर आप वहाँ पर आप अपने अंक भी देख सकते हो। इसके बाद में अंतिम भर्ती चिकित्सा
परीक्षा मतलब जो आपका तृतीय चरण होगा उसके अंदर आप चिल्का में जाओगे, तो चिल्का में जाने के बाद भी आपका एक मेडिकल होता है जो कि आपका अंतिम मेडिकल होगा, जिसके द्वारा आपको अगर वहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया तो आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। इसके अंदर सभी चयनित उम्मीदवार की अंतिम प्रति चिकित्सा परीक्षा 12/9/5 चिल्का में आयोजित की जाएगी, बशर्ते भर्ती के लिए उम्मीदवार को अपन अंतिम चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंतिम भर्ती चिकित्सा में उत्तीर्ण न होने पर उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा, उसको घर से मतलब वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, घर पर उसको आना पड़ेगा। इसके बाद में चिकित्सा माने अब आपको चिकित्सा में क्या क्या चाहिए, तो चिकित्सा में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये तो करके जाना और जो आगे मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा वो भी करके जाना। तो इसके अंदर आता है चिकित्सा मानक, वर्तमान भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के लिए निर्धारित शिक्षा मानक के अनुसार अधिकृत सैन्य डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। ओके, मतलब जो वहाँ पर डॉक्टर हो गए नेवी के उनके द्वारा ये मतलब ये आयोजित की जाएगी। इसके बाद में आता है लिंग, मतलब यदि किसी उम्मीदवार में शारीरिक जांच के दौरान विपरीत लिंग के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अयोग्य घोषित करके उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे किसी भी उम्मीदवार जिसने लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी कराई हो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद में आता है गर्भावस्था, गर्भावस्था में आता है यदि कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को रिपोर्टिंग के समय या 4 साल के कार्यकाल के समापन तक गर्भ धारण करने के करना नहीं चाहिए। यदि उम्मीदवार 4 साल के लिए कार्यकाल के दौरान गर्भवती पाई जाती है तो प्रकाशती निष्कासन के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद में न्यूनतम लंबाई मानक, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि नेवी ने साफ क्लियर कर दिया है। इसके बाद में आता है टैटू, टैटू का भी बहुत सारा सवाल होता है, तो टैटू के अंदर आता है स्थायी टैटू केवल कोहनी से नीचे अंदर की तरफ होने चाहिए, जैसे मतलब आपकी जो भुजा होती है कोहनी के अंदर अंदर आपके हाथ के आपका हाथ होता है ना उसके कोहनी के नीचे नीचे होने चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है कि मतलब मुट्ठी तक अंदर की आपकी मुट्ठी होती है उसके ऊपर भी हो सकता है और हथेली के पीछे, शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और आवेदक को भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसके बाद में आता है उम्मीदवार अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में ही होना चाहिए और ऐसी किसी बीमारी अपंगता से मुक्त होना चाहिए जिससे शांति और युद्ध दोनों समय में तट पर तथा समुद्र में कर्तव्य के सफल निष्पादन पर, मतलब आप मेंटल नहीं होने चाहिए, आप अच्छे शारीरिक स्वभाव के होने चाहिए। इसके बाद में आता है कि ये तो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो करके जाना है, अभ्यर्थी मतलब लगभग आधे से ज़्यादा बच्चों को मतलब मेडिकल में इसमें ही बार करते हैं। तो क्या है, अपने कानों के वृक्ष और दांतों के टाटर साफ करके, जो दांतों के अंदर जो आपके जमे होते हैं ना काई, तो उसको साफ करके जाना चाहिए। इसके बाद में आता है विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए लंबाई में छूट संबंधित नियम जो आप वेबसाइट पर देख सकते हो। इसके अंदर आपका आयु होता है ना, जो आपकी दृष्टि होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो मतलब जो आप अगर चश्मा पहन करते हो तो उसकी 6/12 होनी चाहिए, मतलब लड़के लड़की दोनों के लिए सही, मतलब अगर आप सही दृष्टि जो आपके चश्मा नहीं है तो चश्मे बिना आपके 6/6 होनी चाहिए, जब भी आपको वहाँ पर अनुमति दी जाएगी। इसके बाद में आता है मतलब मेडिकल में फिट कर दिया जाएगा। इसके बाद में आता है प्रशिक्षण, जो आपका जो ट्रेनिंग है वो कब है, तो जो लोग कहते हैं ना अक्टूबर में है, वो अक्टूबर में नहीं है, नेवी ने साफ कर दिया है कि आपकी जो ट्रेनिंग है पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण अस्थायी रूप से नवंबर 2024 से मतलब जो चिल्का में बना गया है नौसेना पोर्ट उस पर उड़ीसा में आपका प्रशिक्षण होगा, मतलब आपका ट्रेनिंग होगा। और क्या कह रहे हैं, अनुपयुक्त होने पर निकाला जाना, मतलब आपको अगर आप ये कुछ नहीं है। इसके बाद में अगर आपको और कुछ जानना है नेवी के अंदर और कुछ जानना है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सम कमेंट करो, और मैं ऐसे वीडियो लेता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।